सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हारे सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 15/1/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होता है और हम घर जाते हैं। यह सृष्टि रूपी रंग मंच का, यह जो हमारा 84 जन्मों की जीवन का जो नाटक चल रहा है वो बाबा कहते हैं अब पूरा होता है और अब हमें वापस अपने घर चलना है। प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर है, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए नंबर 1 बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना, नंबर 2 अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता, नंबर 3 संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रह कर के दिखाना भी होता। तो ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। अतः हर एक को स्वयं चेक करें कि हम बाप दादा के पास अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं या नहीं, और यदि कराना है तो इन क्वालिफिकेशंस को हमें धारण करना होगा। तो जो ऐसे नाम रजिस्टर कराते हैं उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत बजा है ओम नमः शिवाय पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही सभी का एक सहारा हो। धारणा के लिए मुख्य ज्ञान बिंदु नंबर 1, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हम अभी और कोई फैमिली के नहीं परंतु स्वयं भगवान की फैमिली के सदस्य हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। नंबर 2 है, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है, तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है, पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट माना डबल दानी बनना है। वरदान है आज का, बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ, लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो, और जब मेजोरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ, माना जो निश्चित करें वो लोग वो हमें मान लेना है, उसको मान्यता देनी है। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे।
तो सफल होने की युक्ति बाबा ने सिखलाई। स्लोगन है आज का, निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को, खास नोट करें, मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। किसके लिए? सफल होने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।